अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कल आपने ये एक्सरसाइज 11.2 में से क्वेश्चन नंबर 7 किया है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमें वहाँ बताना है। 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, देखो 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट 13 इंटू एडी हम करेंगे, यस। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इधर ए पर एंगल 90 डिग्री है, ए को बेस मानेंगे, दूसरे को आल्टीट्यूड मानेंगे, हाइट मानेंगे। 1/2 ऑफ 5 इंटू 12, देखो मैंने इधर किया 1/2 ऑफ 5 इंटू 12, वो हो गया 30। तो 1000 2 6000 5 6000 30, तो हो गया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 2 ऊपर जो है छोटा लिखना होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, कोई ऐसे भी लिख सकता है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेटा आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। अब हम दूसरे तरीके से इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। मुझे पता है आपने कल वाली वीडियो में भी देखा होगा, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 ऑफ बेस 13, आल्टीट्यूड एडी है, एरिया हमें पहले ही पता है। तो जो ये नीचे 2 है, नीचे वाला 2, इससे इसको ज़रब हो जाएगा, ऊपर जो 13 है उसे डिवीजन होगा, तो एडी का वैल्यू 60/13 सेंटीमीटर्स आ गया। तो इस तरह से इसका दूसरा पार्ट भी है, आप खुद करना। 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, एक में से आप मानोगे ये बेस और ये हाइट, निकलेगा एरिया पहले वाले क्वेश्चन की तरह। फिर इस साइड में मुड़ोगे, ये वाला साइड बेस और ये वाला साइड आल्टीट्यूड, एरिया एक जैसा रहेगा। दोनों साइड से, दोनों तरीके से जब हम निकालेंगे एरिया एक जैसे रहेगा। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें से आपको करना था ये एरिया पैरेललोग्राम, याद रखना है कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू आल्टीट्यूड भी कोई लिख सकता है, शाबाश। फिर दूसरा था इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने अभी किया, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। ये 2 फार्मूलाज है, ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, फिर आपको ये एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। मैंने फिर लिखा है इधर, इसको थोड़ा सा ये हाईलाइट भी किया है। इसके बाद आपके सर्कल में, इसके बाद आपके इस किताब में है, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 247 है ये, पेज 247, ये इस पेज 247 है ये आपकी बुक का। तो उधर सर्कल्स है, आप हमें उधर सर्कल की वजाहत है, आपने पढ़ी भी है, मैंने पढ़ाया आपको वो सर्कल क्या होता है, लेकिन मैंने फिर भी इधर आपको थोड़ा सा वो हिंट बताया है। देखो सेंटर है, इसके आगे जो ये सर्कल है, इसके पॉइंट्स जो है, असल में ये पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट से बराबर दूरी पर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, हाँ, दे आर कॉल्ड सर्कल। जो ये राउंड होता है, ये बैंगल की तरह होता है, ये सर्कल होता है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। हाँ, ये मैं चिदा चिदा आपको बता रहा हूँ। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं, 2πr, उसकी वो डेफिनेशन भी मैं आपको कम्युनिटी क्लास में बताऊंगा, लेकिन पेज नंबर 248 को आप गौर से पढ़ना, गौर से देखना पेज 248, तो आपको समझ आ जाएगा। सी इसने लिखा है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। तो मैंने इधर फार्मूला लिखी है, हमें फार्मूला ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आधा सर्कल होगा बीच में, जब डायमीटर डालेंगे तो इसको सेमी सर्कल बोलते हैं, किताब में लिखा होगा सेमी सर्कल, तो आपको पता होना चाहिए सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल। देखो ये सर्कल की रेडियस है, देखो सर्कल का डायमीटर है, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करता है। देखो ये कार्ड है, देखो जो मैंने ये शेड किया, शेडेड पोर्शन, ये सर्कल का एरिया होता है। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल के लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई यूनानी लफज है, ग्रीक वर्ड है, पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 होता है, या 3.14 होता है, वो आपको पता ही है, आपने सीखा है वो। तो देखो बेटा, इस तरह से आज आप ये सर्कल्स देखोगे, 247, 248, 249 पेजेस को देखोगे अपनी बुक के, और ये एग्जाम्पल्स पढ़ोगे। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।